MBBS ek khwab tha. Since childhood, I used to dream about stepping into MBBS in medical field, looking after the patients. जैसे हमारे यहाँ अक्सर बच्चों का ख्वाब होता है कि हम patients का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, and all. Even after scoring really good marks in matric, मैं MBBS में नहीं जा पाई क्योंकि मैं FSC में अच्छे marks score नहीं कर पाई थी. तो जब मेरा FSC का रिजल्ट आया तो मेरे फादर काफ़ी थोड़े से मायूस थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप चाहें तो एक साल रिपीट कर सकती हैं और दोबारा से ट्राई कर सकती हैं MBBS के लिए. बट आई रिफ्यूज्ड दैट सजेशन क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक साल वेस्ट करूं एंड देन आगे किसी फील्ड में जाने का सोचूं. देन फाइनली आई हैपन टू स्टेप इनटू फॉर्म डी डॉक्टर फार्मेसी एट लाहौर फार्मेसी कॉलेज LMDC. इवन आफ्टर फार्म डी मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज कहा करते थे कि आप दोबारा ट्राई कर लो, MCAT दोबारा दे दो, MBBS में एडमिशन ले लेते हैं. तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरे फादर का भी बल्कि यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप दोबारा से एक अटैम्प्ट कर लो. तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और जिस फील्ड में एडमिशन लिया है वहीं पर कुछ करके दिखाऊंगी. एंड देन आई रियली वर्कड हार्ड और उसके बाद पूरे 5 साल मैंने UHS में फर्स्ट पोजीशन ली थ्रू आउट 5 ईयर्स एंड आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट एट UHS. LMDC की टॉपर हूँ, स्कॉलरशिप होल्डर हूँ. अगर कोई MBBS से रह जाए तो फार्म डी सजेस्ट करूंगी. मैं ये कहूंगी कि अगर किसी का MBBS में हो रहा है तो भी मैं फार्म डी सजेस्ट करूंगी क्योंकि हमारा एक बड़ा टिपिकल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, परसेप्शन है, जिसमें मेडिकल सर्विंग द ह्यूमैनिटी इज़ ऑल अबाउट MBBS, जबकि हकीकत ऐसे नहीं है. अगर आप पेशेंट को सर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल में जाना चाहते हैं तो भी आई विल सजेस्ट फार्म डी. अगर आप प्रोफेशन परस्यू करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रेंथन होने के लिए मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आई विल सजेस्ट फार्म डी, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है ना, आगे जो वक्त है उसमें दो आई एग्री टू द पॉइंट कि पाकिस्तान में अभी के लिए फार्म डी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना MBBS का स्ट्रक्चर और सारा सिस्टम डेवलप्ड है. बट आई वुड से कि आने वाला वक्त उसमें फार्म डी का, क्लिनिकल का, फार्मेसी का बहुत स्कोप है. उसमें फार्मासिस्ट की वैल्यू, फार्मासिस्ट की वर्थ, फार्मासिस्ट की वर्किंग बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लेवल पर आएगी. और आप देखते हैं कि अभी इंटरनेशनली अगर आप जाएँ तो फार्मेसी की वर्थ इज़ वे मोर देन MBBS. मैं बचपन से सोचा करती थी कि लाइफ में कुछ भी बन जाऊंगी, मैं कभी भी टीचर नहीं बनूंगी. हमेशा सोचती थी कि टीचर नहीं बनूंगी, कुछ भी हो जाए. इवन मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं टीचिंग फील्ड में आऊं, लेकिन मैंने हमेशा से रिफ्यूज़ किया कि टीचर नहीं बनना. एंड देन दैट हैपन्ड लाइक इन 2013. हमारी कॉलेज में फैकल्टी जो थी उसमें काफ़ी न्यू इंडक्शंस हुई, नए टीचर्स आए, हम सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए. सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के बाद मैं फार्माकोलॉजी के लेक्चर में थी. दैट हैपन्ड, अ न्यू टीचर केम एंड ही नेम्ड हिमसेल्फ, आई एम डॉक्टर नई मुबारक. ओके, एंड व्हेन ही स्टार्टेड द लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई थॉट आई कैन बी अ टीचर. Teaching is not that bad. I just told myself that teaching is not that bad. Then aahista aahista jab unse padhna start kiya, unhone unke sath interaction hua, unhone padhaya, to mujhe samajh mein aaya ki jo teaching ko टीचिंग एक्चुअली वो नहीं है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं. टीचिंग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज टीचिंग. टीचिंग डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन. तो उन्होंने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, अपनी लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी इंटेलिजेंस, ही आइडेंटिफाइड द स्ट्रेंथ्स इन मी, ही आइडेंटिफाइड द क्वालिटीज इन मी और आहिस्ता आहिस्ता से मुझे ट्रेन किया, मोटिवेट किया. उसके बाद देन आई मेड माई माइंड दैट आई विल स्टेप इन टू द टीचिंग प्रोफेशन, उसको परसू करूँगी. और चूंकि जैसे अभी मैंने बताया कि आई वॉज द टॉपर फॉर 5 ईयर्स, उसकी वजह से मेरे कॉलेज ने मुझे ऑब्लाइज किया और राइट आफ्टर माई फाइनल ईयर दे इंडक्टेड मी एज अ लेक्चरर इन लाहौर फार्मेसी कॉलेज. देन दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर. In 2013,
2017, Dr. Naim Mubarak, he just saw the ad for inductions in youth parliament. Unhone mujhe kaha ki aap jo hai yahan par apply karein aur try, give it a try. Then I applied, मैंने apply किया वहाँ पर interview के लिए call आ गई shortlist होने के बाद जब interview में गई वहाँ पर interview में there was the panel जिसमें Mr. Rizwan Jafar थे who is the founder of Youth Parliament, President Youth Parliament Punjab Cabinet थे Mr. Abu Bakar. तो इस panel को interview face करने के बाद then I was inducted initially as Health Secretary of Youth Parliament Punjab Cabinet, and then after working with the Youth Parliament, working with their ambulance, give way to ambulance campaign, working on road safety campaigns, working on mental health and illness campaigns, in sub campaigns pe kaam karne ke baad, they promoted me as the Vice President, and now I'm promoted as Senior Vice President, Youth Parliament Punjab Cabinet, and I'm really very proud of it, kyunki hamare haan in efforts ko एक्नॉलेज कम किया जाता है तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी यूथ जो है वो इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करे ताकि क्योंकि बेसिकली चेंज यूथ लेके आना तो चाहती है लेकिन वो चेंज लेके आने के लिए दे डोंट पुट ऑन एफर्ट्स इन रियल सेंस सो आई वॉन्ट द यूथ टू पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज एज मच एज पॉसिबल बतौर खातून माशरे को पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि दैट आई डोंट रियली मीन द वुमेन हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ मैन द वुमेन हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन देयर प्रोफेशन इन देयर जॉब्स इन देयर हाउसेज इवन जिनको मर्दों के लिहाज से मसाइल का सामना है या कुछ भी ऐसा मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि वो गलत हैं और वो मसाइल उनको उन औरतों की वजह से फेस करना पड़े हैं मैं ऐसा नहीं कहूँगी बट एज पर माय एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन टिल दैट एज मैं ये कहूँगी कि It's all about your attitude. It's all about the firmness in your character. It's all about the maturity with which you deal with the guys. It's all about your traits. ये आपके ऊपर depend करता है कि आप किस तरह से society में अपने आप को introduce करते हो और introduce करने के बाद किस तरह से आप अपनी personality को portray करते हैं. अगर आप firm हैं अपने attitude और character में, तो I don't think कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं क्योंकि एज सच अभी तक मुझे कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से जो हमारी यूथ है वी नीड टू टीच देम एम्पैथी वी नीड टू टीच देम इमोशनल इंटेलिजेंस वी नीड टू टीच देम हाउ टू चैनलाइज देयर एनर्जी क्योंकि बहुत एनर्जी है बहुत पैशन है कमी है तो उसको चैनलाइज करने की सो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू कासिम अली शाह फाउंडेशन जिन्होंने यूथ माइंडसेट डेवलपमेंट में यूथ स्किल्स डेवलपमेंट में बहुत काम किया है और इस हवाले से यूथ को ग्रूम करने में एजुकेशन सेक्टर में काम करने के ऊपर दैट इज़ रियली एक्नॉलेजेबल